नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश भर में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की गंभीर कवायद कर रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा को अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है, तो वहीं राहुल गांधी की पदयात्रा कांग्रेस को मजबूत करने में कितना सफल हो पाएगी, ये सितारों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। राहुल की पदयात्रा और कांग्रेस के संभावित राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अनुज जैन जी। तो अनुज जी, शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो विषय चल रहा है आजकल, जो दिन चर्चाओं का विषय बना हुआ है राहुल गांधी जी को लेकर के, तो कुछ सवाल जवाब हम आपसे राहुल गांधी जी के बारे में करेंगे। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस फिलहाल देश भर में कमजोर स्थिति में है, तो आपके नजरिए से कांग्रेस इस यात्रा के बाद कितनी मजबूत स्थिति में आ सकती है? आपकी जो ज्योतिषाचार्य के अकॉर्डिंग जो उनके सितारे बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी कमजोर स्थिति है, क्या वो आगे बढ़ पाएगी या उस चीज में कुछ बढ़ोतरी होगी कि मजबूत स्थिति बन पाएगी क्या आने वाले टाइम में? सुचित्रा जी, यात्रा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और चाहे भारत देश का निर्माण हुआ हो, चाहे विश्व के अंदर दूसरे देशों की खोज हुई हो, हर चीज़ का प्रारंभ एक यात्रा से हुआ है। चाहे कोलंबस ने भारत को खोजा हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर ह्यूम सेंग आया हो, तो यात्रा हमारे यहाँ पे एक शनि का प्रादुर्भाव है। शनि का मतलब ये होता है कि जो कार्य हम अपने पैरों से करते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ये बच्चा अपने पांव पर कब खड़ा हो जाएगा, तो ये जो पैर हैं, ये जब कार्य करते हैं तो ये हमारी वर्क फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको खोलते हैं। करंट टाइम के अंदर अगर हम देखें तो भारत देश के अंदर कुछ बहुत बड़ी यात्राएं भी हुई हैं रिसेंट टाइम के अंदर, जैसे लगभग सन 1915-16 के अंदर महात्मा गांधी ने इस देश की यात्रा की, और ये पद यात्रा उस समय पे हुई थी जिस समय के ऊपर शनि जो है मिथुन राशि में थे, वायु राशि में थे, और इस वायु ने पूरे देश की वायु बदल दी, पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ गई, जनसंपर्क अभियान बना। और इसी तरीके से 1983 में हमने देखा कि एक पद यात्रा हुई हिंदुस्तान में, चंद्रशेखर जी ने की, और जब उन्होंने की तो वो भी करने के बाद उन्होंने देश के राजनीतिक माहौल में एक क्रांति को लाके दिया, और ये तुला राशि में हुई थी जो कि अगेन एयर साइन है। और उसके बाद एक और यात्रा बहुत प्रोमिनेंटली हमारे पास रिकॉर्डेड है 2003 में, जो कि वाईएस राजशेखर रेड्डी जी ने की थी, और उस समय भी शनि जो है एयर साइन के अंदर है। और एक रीसेंट टाइम की, मोस्ट रीसेंट टाइम की, इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक यात्रा है जो आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा जिसे हम जानते हैं, ये लगभग 1990 का साल था, लेकिन इस समय शनि एक फायर साइन में सेजिटेरियस में था। सेजिटेरियस जिसका संबंध धर्म से है, सेजिटेरियस जिसका संबंध फायर से है, जिसका संबंध शक्ति से है, जिसका संबंध एक नई चेंज के साथ है, और हमने देखा कि वहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो कुल मिला के जो ज्योतिष का नजरिया यात्राओं के बारे में है, यहां पर हम ये समझते हैं कि यात्राएं या आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसी तरीके से अगर हम राहुल गांधी जी की इस यात्रा को देखें, जैसा कि आपने कहा कि 150 दिनों से ये यात्रा चल रही है और कांग्रेस एक कमजोर स्थिति के अंदर है, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा इस राजनीतिक परिवर्तन की कोई सूचना देती है या नहीं देती है? उसके लिए हम समझ लेते हैं राहुल गांधी जी की जन्म पत्रिका को। देखिए, अवेलेबल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 19 जून 1970 का उनका जन्म है, और शनि उनके 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस का शनि सबसे पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के बारे में बताता है, ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई। और यहां पर बैठे होने के बाद शनि से जो 3rd हाउस है, यानी कि जो 11th हाउस है, वहां पर चंद्रमा है। शनि से 11th हाउस चंद्रमा का मतलब यह है कि दिस मैन हैज टू ट्राई और दिस मैन विल ट्रेवल, ये एक बिल्कुल निश्चित बात हो गई। और यहां जो 3rd हाउस का चंद्रमा है, ये कहीं ना कहीं कनेक्शंस को, नेटवर्क्स को, गेन्स को, विशेष की फुलफिलमेंट्स को, आदमी के हौसले को, और कहीं ना कहीं स्टार्ट जहां से भी आदमी लेता है उसको सिग्निफाई करता है। तो 9th और 11th का जो संबंध है ये हमेशा अच्छा होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो यात्रा है ये ज्योतिष कारणों से उन्होंने की है, बट लाइफ के अंदर ऐसा हुआ है कि उन्होंने शनि से 3rd, तो ये कहा जा सकेगा ये इनका लाइफ पर्पज है।
एक और भी बात है कि शनि से फोर्थ हाउस यानी जो इनका ट्वेल्थ हाउस है उसका जो स्वामी है वो कर्क राशि है, वहां उसका स्वामी चंद्रमा बनता है और शनि का थर्ड एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तो डेफिनेटली इन दिस लाइफ इट इज ए लाइफ पर्पज। ये जो यात्रा हुई है इसको साधारण यात्रा की तरह से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। राहुल गांधी जी की पत्रिका में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं देखता हूं कि इनके शनि के ऊपर बृहस्पति की एस्पेक्ट है जुपिटर की। जुपिटर की एस्पेक्ट जब भी सैटर्न के ऊपर होती है ये आदमी को सेल्फ रिलायंट बनाता है, आदमी अपने लिए नई विचारधारा, नया कर्म क्षेत्र, नई ऊर्जा का निर्माण करता है, तो वो इस यात्रा से इनको अवश्य ही मिलेगा। पहली तो ये बात बिल्कुल डेफिनेट हो गई कि दिस यात्रा विल डेफिनेटली चेंज हिज कोर्स 1000%। ये इनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी बनता है। सो हम दो बातों पे पहुंच चुके हैं कि ये इनका लाइफ पर्पस भी है और ये इनके व्यक्तित्व के निर्माण का समय भी आ गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात भी है कि इनके 11th हाउस से सैटर्न से 11th हाउस के अंदर इनके राहु बैठा हुआ है, इसकी कुछ खास पहचान होती है। जैसे सैटर्न से 11th हाउस जब भी आता है तो आदमी के फादर अर्ली स्टेज में चले जाते हैं, सो इनके साथ भी ऐसा हुआ। बट नाउ सिंस दैट 30-year पीरियड इज ओवर, सो वी कैन सिंपली से दैट फेज इज ओवर। सो इन मायनों के अंदर हम ये अच्छी तरह से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसका इससे एक संबंध है और इस बात का इनकी लाइफ से भी संबंध है, लाइफ पर्पस से भी संबंध है, करियर से भी संबंध है, सेल्फ रिलायंस से भी संबंध है। और चूंकि ये गांधी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज वन ऑफ द मेन पर्सन हु रिप्रेजेंट द कांग्रेस पार्टी, आज चाहे इसका नेतृत्व दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो बट देन ऑल्सो ही इज ए हिडन फोर्स बिहाइंड द कांग्रेस, और इनकी जो कांग्रेस की लोकमान्यता है उसका संबंध गांधी परिवार से जुड़ा ही हुआ है। तो नेचुरली आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है कि यस इट विल बेनिफिट हिम एज इंडिविजुअल फर्स्ट एंड हिज पार्टी नेक्स्ट। चलिए सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि उनकी पार्टी को भी इसका फायदा होने वाला है और साथ में उनके व्यक्तित्व को भी। जी जी। चलिए मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी के जो सितारे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए किस हद तक फायदेमंद हो सकते हैं, कि जैसे अब आने वाले उसमें इलेक्शन भी होने वाले हैं 2024 के, तो आपको क्या लगता है कि उनके जो ये सितारे हैं उस बुलंदी तक आने वाले टाइम में उन्हें ले जा सकते हैं, उनकी पार्टी को वहां तक पहुंचा सकते हैं? नाइस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा या नहीं होगा, एज आई ऑलरेडी सेड कि यस इट इज ए डेफिनेट पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि जब इनका निर्माण होगा तो इनके परिवार से इनके देश का या इनकी पार्टी का जो जुड़ाव है उसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर इसमें बढ़ोतरी होगी। आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या आगामी इलेक्शन में 2024 में इसका कोई बेनिफिट निकलेगा, तो अगर हम इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि क्या इसका वोट शेयर पे कोई असर पड़ेगा या इनके सत्ता में वापसी है, तो ये शायद अभी नहीं है। उसके रीजन के लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं इंडिया के इंडिपेंडेंस चार्ट के बारे में एंड वेयर द राहुल गांधी स्टैंड्स इन द इंडिपेंडेंट चार्ट ऑफ इंडिया विच इज ऑन 15th August 1947। सो अभी तो मैं ये कह सकता हूं कि 2024 के अंदर जो इलेक्शन है मे बी ही बिकम स्ट्रांग और ही कॉन्टेस्ट और ये कॉन्टेस्ट को थोड़ी शक्ति से लड़े, बट जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो अभी नहीं है बिकॉज सैटर्न की जो साइकिल है वो अभी यहां से काफी दूर है। सो इनके लिए सिर्फ एक शुरुआत कही जा सकेगी, रिजल्ट नहीं कहा जा सकेगा। इस साल में आने वाले साल में उनके लिए एक अच्छी शुरुआत बोल सकते हैं, कह सकते हैं मजबूती के तौर पे कि यहाँ से प्रारंभ कह सकते हैं मैडम, यहाँ से हम इसको ये समझेंगे कि अब ये चलना शुरू कर रहे हैं। सो वी विल काउंट इट एज अ बिगिनिंग कि ये अब शुरुआत है, लेकिन मैं इसको कंक्लूजन के तौर पर तो अभी नहीं देखूंगा एस्ट्रोलॉजिकल। जी चलिए सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने वहां से ये अभियान शुरू किया, इसकी कोई वजह या कोई रीजन आप ऐसा बता सकते हैं? वेरी सिंपल है, कन्याकुमारी से जो भारत का जम्मू कश्मीर है उसकी जो एक्सिस है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की एक्सिस है, तो साउथ वेस्ट की जो एक्सिस है वो एक्चुअली इनकी अपनी, जैसे मैंने आपसे हॉरोस्कोप में डिस्कस करा कि मेजरली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटर्न,
सो शनि की जो यात्रा है वो हमेशा वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्टर्न सेक्टर से ही होती है, इसकी स्टार्ट ही वहीं से होती है और वो इंक्लूड हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में करती है। तो ये जो यात्रा है ये भी सिंक्रोनिसिटी विद द नेचर, सिंक्रोनिसिटी विद द डायरेक्शन हुई है और नेचुरली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ साइन एंड स्लोली स्लोली व्हेन इट रीचेस टू द फायर साइन, सो ये ऐसा ही होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, इट इज नॉट ए कॉन्क्लूसिव इवेंट विच हैज हैपेंड राइट नाउ और जिसका कि अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां से आपको बिगनिंग मिलेगी और इस बिगनिंग के बाद ही स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ के उस बिल्कुल। तो सर ये तो थी आपकी बात, तो कहीं ना कहीं हम ये बात मान लें कि कहीं राहुल गांधी जी ने भी इस चीज को लेकर, राहुल गांधी ने भी कहीं अपने कहीं एस्ट्रोलॉजर से या कहीं कुछ ऐसा दिखाया गया जो उन्होंने डेफिनेटली यात्रा इस तरीके से और इस वजह से स्टार्ट करी है कि उन्हें आगे उस चीज में मजबूती हासिल। वेरी मच पॉसिबल। देखिए मैम, मैं ये समझता हूँ कि हर कामयाब आदमी, बड़ा आदमी, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो खुद स्वयं ही नेचर की उस सिंक्रोनिसिटी सिंकिंग के साथ में हो या वो अपनी डायरेक्शंस नेचर के हिसाब से प्लान करे। सो समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि प्रकृति में जो हो रहा होता है, जो कि एक नेचर फॉर्मेशन है, हम उसको फॉलो करते हैं, वो राइट भी होता है, रॉन्ग भी होता है और कई बार हम अंडर गाइडेंस भी चलते हैं। सो बोथ कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट वट एवर हैज हैपन एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसको एक अच्छी कैलकुलेटिव मूव के अंडर तो जरूर रखूंगा। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपके एस्ट्रोलॉजिकली उसमें फैक्ट में ये चीज आती है कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी कहीं पीएम बन सकते हैं? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मुझे लगता है कि शायद हर आदमी की सोच में है। लेट मी गो बैक टू इंडियन हॉरोस्कोप, इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप जो कि 15 अगस्त सन 1947 रात को 12 बजे बनती है, जहां पे वृष लगन है और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आती है और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। आज की जो ये भविष्यवाणी है ये एक बड़ी भविष्यवाणी भी हो सकती है, बट अभी चूंकि इसमें समय है मैं आपको इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट का जो जुपिटर है, जुपिटर जिसको कि हम जीवकार का बोलते हैं, द आत्मकार का, द जीवकार का, द पर्सन इटसेल्फ, वो एग्जैक्टली उस रैपिड डिग्री के ऊपर है जिस रैपिड डिग्री के ऊपर राहुल गांधी का शनि विराजमान है। तो पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली आई एम वेरी मच कन्विंस्ड दैट ही विल लीड इंडिया, डेफिनेटली ही विल लीड इंडिया। द जीवकार का ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन ए सैटर्न और जिस हिसाब से जो क्वेश्चन आज आपने सामने खड़ा किया है कि क्या इस पदयात्रा का कोई संबंध है, तो पक्की बात है कि ऐसा संबंध तो नजर आता है। दूसरी बात यह है, 9th एंड 10th लॉर्ड सैटर्न ऑफ इंडियन हॉरोस्कोप, जो कि एक 9th और 10th का योग हमारे एस्ट्रोलॉजी में राजयोगकार का हम लोग उसको कहते हैं, राजयोगकार का संबंध इनके शनि से लगभग स्क्वायर पोजीशन 90 डिग्री के ऊपर है। 90 डिग्री के ऊपर होने के कारण सिर्फ ये एक कारण रहा कि लंबे समय तक अपने करियर को परस्यू करने के बाद भी ये उस टॉप पोजिशन पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये हमेशा रहने वाला ऐसा है नहीं। समय बदलता है, मनुष्य बदलता है, ब्रह्मांड बदलता है, तो यहां भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और हम देखेंगे कि जब इनका सैटर्न एक्टिवेट होगा और ये लगभग आज इनकी उम्र 53-54 साल के आसपास की हो गई है, लगभग 60 इयर्स के आसपास का एक्सपैन होगा, व्हेन ही विल बी अप्रोक्सीमेटली 60 इयर्स, उस समय के ऊपर इनको इंडिया को लीड करने का चांस बहुत बड़ा होगा और ये वो समय होगा जब शनि लगभग एरीज के अंदर आ चुका होगा, इंडिया के नेटल जुपिटर से एस्पेक्ट होगा और इनके खुद शनि से संबंध होगा और ये शनि की जन्म कुंडली के अंदर शनि का सेकंड राउंड होगा और वो इनके सेकंड और 11th हाउस को भी सिग्निफाई करेगा, जिसका मतलब है कि वो इनके परिवार को, इनके धन को, इनके लाभ को भी सिग्निफाई करेगा। तो यानी कि हम ये कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कि हम ये मान लें
कि आने वाला समय जो इनके लिए होगा कहीं ना कहीं इन्हें वो पीएम की पदवी दिलवा सकता है या इनके सितारे उतने बुलंद नॉट इन दिस कि इनके अंदर वो जो लीडरशिप वाली बात है या ये आगे उस चीज को लीड कर सकते हैं। मैडम शनि का स्वभाव ही शैन्य है, सैटर्न हैज टू मूव सिस्टमैटिकली, इट हैज टू मूव स्लो ऑन ग्राउंड, और ग्राउंडिंग इनको मिल गई है। 150 दिन पैदल चलना, ग्राउंडिंग करना, अपनी एनर्जीज को मूलाधार तक ले जाना, 9th हाउस से उसको एक्टिवेट करना आसान काम नहीं है, जो कि इतिहास में जैसा मैंने आपसे जिक्र करा कोलंबस से लेकर महात्मा गांधी से लेकर बहुत कम विरल ऐसे चांसेस हुए हैं जब इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। सो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, इट इज़ ए वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि राहुल जी ने जब अपनी यात्रा को प्रारंभ करा था तो उस समय कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन के अंदर शनि था, और अब जब ये यात्रा फिनिश होने की तरफ आ रही है, शनि राशि परिवर्तित कर चुके हैं, शनि कुंभ में आ चुके हैं, कुंभ का मतलब डेफिनेटली एयर साइन ही है। सो जैसा कि हमने ये देखा था कि जो यात्रा चंद्रशेखर जी के लिए, वाई एस रेड्डी जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए एयर चेंजिंग का काम कर रही थी, इस यात्रा की जो फिनिशिंग है, इस यात्रा की फिनिशिंग भी एयर एलिमेंट में है। सो डेफिनेटली I can see a change in air. Definitely, I can see a change. तो ये तो थे आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अनु जैन जी, जिन्होंने राहुल गांधी के सितारों को देख करके एस्ट्रोलॉजी की जितनी इनकी पकड़ है, जो इन्होंने इतनी गहराई से उनके बारे में हमें बताया। तो आगे भी इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा हम उनके साथ करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें अपना कीमती समय देंगे। तो इसी के साथ ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दैनिक भरोसा। नमस्कार।